कैमरा अपने साइड कर रहा हूँ मैं और दिख रहा हूँ ढंग से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी वन वीलॉग। और एक्चुअली अभी जो आप टाइम रैप देख रहे थे वो शिमला से नारकंडा जाने का था और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ टूवर्ड्स नारकंडा। बस सुबह के कितने 6 बज रहे हैं। मेरे साथ है साहिल। साहिल बहुत थके हुए हैं और ये पीछे जो है वो सो रहे हैं। कौन सो रहा? अच्छा, उठ गए। जो पीछे है उसका नाम है राहुल। राहुल प्लीज हाय कर दो। दिस इज माई ड्राइव टूवर्ड्स कल्पा और मैं नारकंडा की तरफ पहुंचने वाला हूँ। सनराइज हो रहा है यहाँ पे काफी अच्छा। एक प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली, मैंने गलती से टाइम रैप में स्टार्ट मोशन स्टार्ट दबा दिया था इसलिए वो दोबारा टाइम रैप पे चला गया था, तो मेरे को कट करके अब दोबारा यहाँ पे मैं वीलॉग कर रहा हूँ। कहाँ पे था ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि वीलॉग में पटर पटर में बोल रहा था, लेकिन मैं दोबारा से बोल देता हूँ। नारकंडा हम अभी 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर रामपुर और फिर कल्पा। रोड स्टेटस ये है कि थोड़ी बम्पी है शिमला के बाद, व्यू काफ़ी अच्छा है और अभी क्लियर वेदर है, स्नो कुछ नहीं है। अप्रैल का महीना है तो स्नो ज़्यादा मिलेगी नहीं, बट ऐसा बोल रहे हैं कि कल्पा में शायद स्नोफॉल, रेन और स्नोफॉल हो, तो डिपेंड करता है वेदर पे कि मतलब लक की बात है, वरना तो ठीक है कोई बात नहीं। हम सोच के नहीं चले थे कि स्नो मिलेगी हमें, बट हम ठीक है वादियों का मज़ा लेने और थोड़ी फोटोग्राफी और वीडियो शूट करने निकले थे विद साहिल हमारा मॉडल, विद राहुल हमारा वीडियोग्राफर। तो चलते हैं टुवर्ड्स कल्पा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि कुमार हाटी सोलन बाईपास टनल अब खुल चुका है, लेकिन ये टनल वन वे है। अगर आप शिमला से चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हो तो ये आप टनल यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे हो तो ये टनल आप यूज नहीं कर सकते। नारकंडा टू रामपुर सिटी रोड्स काफ़ी अच्छी है, ब्रॉड है, लेकिन रामपुर के बाद रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। 70% उसका काम हो चुका है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन किन्नौर द्वार उर्फ किन्नौर रीजन के स्टार्ट होने तक चलता है और उसके बाद रोड नैरो हो जाती है। फाइनली मैं किन्नौर रीजन पहुंच चुका हूँ NH5 पे। रोड थोड़ी ख़राब है, वाइंडिंग का काम चल रहा है यहाँ पर NH5 पे। शिमला से सुबह 6 बजे के करीब निकले थे और 9:30 बज रहे हैं सुबह के, तो करीब 3.5 घंटे लगते हैं आपके किन्नौर द्वार तक पहुंचने में शिमला से। रोड थोड़ी नैरो है, चौड़ाई का काम चल रहा है, तो थोड़ा ब्लास्टिंग जोन भी है बीच में, तो आपको टाइम लग सकता है आने में। और ब्लास्टिंग जोन मेरे ख्याल से 11:30 से शाम दोपहर के 2:30 बजे तक रहता है। GoPro का स्टेबलाइजेशन अच्छा है तो इसलिए शायद आपको लगना हो, लेकिन बम्पी है रोड, बड़ी नैरो है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक बस आ गई है यहाँ पर, मेरे को साइड में करना पड़ रहा है। यहाँ से थोड़ी किन्नर कैलाश की रेंज देखना शुरू हो जाती है। अभी तक मेरे को 12 घंटे हो चुके हैं दिल्ली से निकले हुए, यहाँ से और 75 किलोमीटर्स है कल्पा, तो उसे 2.5 घंटे और लगने वाले हैं। जैसा आपने अभी देखा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जैसे ही आपके नॉर्थ द्वार मतलब के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हो। रजिस्ट्रेशन इसलिए करवानी पड़ती है क्योंकि रोड नैरो है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपका पूरा एड्रेस लेते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं, कितने लोग गाड़ी में जा रहे हैं वो भी, और क्या डेस्टिनेशन है और कहाँ से आ रहे हो वो सब लिखा जाता है, नोटाउन होता है, ताकि अगर कुछ भी हो तो उनके पास ये रिकॉर्ड रहे। और यहाँ से अभी कल्पा और 70 किलोमीटर्स है, जो आधा रास्ता है मतलब 30 किलोमीटर वांगतू तक वो नैरो है, और उसके बाद वांगतू के बाद स्ट्रेट, काइंड ऑफ अ स्ट्रेट रोड है, हिमाचल के हिसाब से स्ट्रेट रोड है। राहुल दिस इज़ किन्नौर द्वार, आप इसको किन्नौर द्वार कह सकते हो। अच्छा, तो ये टनल काइंड ऑफ अ नेचुरल टनल है और ये पहचान है कि आप किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हो। काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, बट आप सोए बहुत ज़्यादा हो। सुसुगर क्या? ओ सुसुगर, बायो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, सुसु मत रोकिए, बिकॉज सुसु रोकेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में जाके, इसलिए। कैसा लग रहा है सर यहाँ पर ड्राइव करके? पीछे राहुल की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, उसको लग रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, पीछे बैठने की आदत नहीं है हम तीनों को, तो फाइट यही चल रही है गाड़ी में कि कौन पीछे बैठेगा। राहुल आर यू ऑल राइट? हाँ अभी तो चल रहा है, चल रहा है, यही है जिंदगी। हाँ यही है बंदगी। बंदी बंदी क्या, किसी ने बंदी बोला?
आफ्टर अ सूदिंग ड्राइव फ्रॉम वांगटू टू पोवारी, आपको पोवारी से एक डाइवर्जन लेना पड़ता है टुवर्ड्स रेकोंगक्यू। इस रोड को अब नेशनल हाईवे 505 बना दिया गया है, तो चौड़ाई का काम चल रहा है। पहले ये रोड बहुत छोटी थी और वहां से करीब 45 मिनट्स लगते आपको कल्पा पहुंचने तक। Hello, 1, 2, 3, yo, anything?